अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग के कुछ डेप्रेशन मेथड्स डिस्कस कर लिए थे कि जब भी कोई कंपनी कोई नॉन करंट एसेट बाय करती है तो उसका खर्चा पूरा का पूरा उस साल को चार्ज करना नाजायजी है, नाइंसाफी है, जिस साल में एसेट खरीदा गया है और जिस साल में उसकी पेमेंट की गई है। तो हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए करते ये हैं कि जितने साल उस एसेट से मुफीद होते हैं, फ़ायदा लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं, उतने सालों को उसका खर्चा चार्ज कर लेते हैं। पहला तरीका हमने देखा था स्ट्रेट लाइन, या उसी का दूसरा नाम हम रखते हैं डिक्लाइनिंग, परसेंटेज में रख लेते हैं डिक्लाइनिंग, लेकिन उसे हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। दूसरा हमने देखा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करना भी हमने देखी थी। पहले साल वो जो परसेंटेज चार्ज होगी वो कॉस्ट पे होगी, सब्सिक्वेंट ईयर्स में अगले सालों में हम नेट बुक वैल्यू पे वो परसेंटेज चार्ज करते हुए और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नतीजतन पहले साल में एसेट ज़्यादा अमाउंट से डेप्रिशिएट होगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम अमाउंट से डेप्रिशिएट होगा। सम ऑफ डिजिट्स किया था और नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स भी हमने डिस्कस कर लिया था। और एक डबल डिक्लाइनिंग, यस, डबल डिक्लाइनिंग में हम सिंपली क्या करेंगे, डिक्लाइनिंग की परसेंटेज को डबल कर देंगे और वो लगेगा आरबीएम की तरह ही। अच्छा, अब हम मजीद चलते हैं अकाउंटिंग के जो बेसिक टॉपिक्स में। एक आता है अक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स। पहली बात, अक्रूअल्स कॉन्सेप्ट और अक्रूअल्स को कंफ्यूज नहीं करना है। शुरू में हमने पहले दिनों में पढ़ा था कि एक होता है कैश कॉन्सेप्ट, यानी इनकम को इनकम तब माना जाता है जब पैसे मिलते हैं रिसीव होने पे, रिसीट बेसिस पे, और एक्सपेंस को एक्सपेंस तब माना जाता है जब पैसे दिए जाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग इस बात के टोटली खिलाफ है। अकाउंटिंग में हम कभी भी कैश कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते। अकाउंटिंग में हम हमेशा फॉलो करते हैं अक्रूअल्स कॉन्सेप्ट को, और उस अक्रूअल्स कॉन्सेप्ट का मकसद ये होता है कि ट्रांजेक्शन जब अकर होगी तब ही उसको इनकम या एक्सपेंस माना जाएगा, ना कि तब जब उसके पैसे मिलेंगे या पैसे दिए जाएंगे। अक्रूअल कॉन्सेप्ट को जब हम आगे लेके चलते हैं तो उसमें सर्टेन ट्रांजेक्शन्स आती हैं, उसको समझ लेते हैं। एक का कॉन्सेप्ट है अक्रूअल्स और एक का काम है, नाम है प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट का मकसद क्या है? प्री वर्ड का मकसद क्या है? पहले। एक होता है पोस्ट और एक होता है प्री। प्री पेमेंट्स, इसको समझना जरूरी है कि एक टर्म हम यूज करते हैं प्री पेमेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें जो कंफ्यूज होते हैं वो अपना पर्सपेक्टिव कंफ्यूज कर जाते हैं। पर्सपेक्टिव कंफ्यूज करने का मेरा मकसद क्या है? एक ये बात हो सकती है कि हम एडवांस में अपने सप्लायर या अपने वेंडर को पैसे दे दें, हम पैसे दें एडवांस में। दूसरा, हमारा कस्टमर हमें एडवांस में पैसे दे दें, है तो एडवांस पेमेंट, लेकिन जब कस्टमर मुझे एडवांस में पैसे देता है वो प्री पेमेंट नहीं कहलाती। प्री पेमेंट का मकसद क्या है? जब हम अपने सप्लायर को या अपने वेंडर को, अपने सर्विस प्रोवाइडर को एडवांस में पैसे दे दें। मुनासिब बात समझना। तो प्री पेमेंट का मकसद क्या है? व्हेन बिजनेस पेज इट्स सप्लायर और वेंडर इन एडवांस। एडवांस में देने का मकसद यह है कि सप्लायर ने जो मुझे गुड्स देने हैं वो मुझे मिले नहीं है,
मुझे जो सर्विसेज आनी है वो अभी तक मिली नहीं है। एडवांस में किराया दे दिया लेकिन अभी तक पोजीशन मैंने एंजॉय नहीं की। स्टाफ को एडवांस में सैलरीज दे दी लेकिन अभी तक उसने मुझे सर्विस दी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं प्री पेमेंट, ये मेरी तरफ से पेमेंट है। जब कस्टमर मुझे एडवांस में पैसे देता है तो उसको हम प्री पेमेंट नहीं कहते। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग फॉलो करती है अक्रूअल्स कॉन्सेप्ट को। यानी अगर मैंने एडवांस में मार्केटिंग एजेंसी को पैसे दे दिए तो इसको मैं खर्चा कब मानूंगा, जब मैं पैसे दूंगा या जब मार्केटिंग कंपनी मुझे सर्विसेज देगी? अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने खर्चे को खर्चा तब नहीं मानना जब आपने पैसे दिए हैं। पैसे दे दिए तो क्या हुआ? अब दोनों बातें हो सकती है। अगर मैंने पैसे पहले दे दिए और सर्विसेज नहीं मिली तो मैं उसको खर्चा नहीं मानूंगा। खर्चा मैं उसको तब मानूंगा जब सामने से सर्विसेज रिसीव हो जाएंगी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि सर्विसेज मुझे पहले मिल गई हैं, पैसे मैं बाद में दूंगा, तो मैं सर्विसेज को अपना एक्सपेंस कब मानूंगा? जब मुझे सर्विसेज रिसीव हुई हैं, रेंडर हुई हैं, ना कि तब जब मैं पेमेंट करूंगा। तो एक किस्सा हम समझ गए, प्री पेमेंट का मकसद कि हम बिजनेस अपने सप्लायर या अपने वेंडर को या अपने सर्विस प्रोवाइडर को एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। पैसे तो दे दिए लेकिन सामने से गुड्स एंड सर्विसेज मुझे मिले नहीं है। ऐसे केस में प्री पेमेंट्स को हम क्या ट्रीट करते हैं? राइट, सो दीज आर ट्रीटेड एज एन एसेट। हालांकि डेबिट होना एक्सपेंस चाहिए था लेकिन हम तब तक एक्सपेंस को डेबिट नहीं करेंगे जब तक गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिल नहीं जाती, तो हम अभी डेबिट क्या करेंगे? अपना एसेट। डबल एंट्री क्या करेंगे? डेबिट प्री पेमेंट एसेट या प्रीपेड एसेट और क्रेडिट कर देंगे क्योंकि पैसे हम दे चुके हैं, कैश या बैंक। और हम एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे? ये कब की बात हुई? व्हेन वी हैव पेड इन एडवांस, जब हमें गुड्स रिसीव हो जाएंगे तो तब तो हम पेमेंट नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि पे तो हम पहले कर चुके हैं। अबकी बार जब आपको गुड्स मिलेंगे तो डेबिट क्या करेंगे? परचेजेस। या अगर आपको एम्प्लॉय सर्विसेज दे दे या जब आप पोजीशन एंजॉय कर लें तो रेंटल एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, कोई भी जिस खर्चे के अगेंस्ट अगेंस्ट आपने एडवांस पेमेंट की है, तो जो भी आपका रिलेटेड एक्सपेंस है आप उसको कर देंगे डेबिट। और क्रेडिट क्या करना है? अब मैंने पैसे नहीं देने क्योंकि पैसे पहले दे चुके हैं, तो क्रेडिट हम कर देंगे अपना प्रीपेड एसेट जो एडवांस में मैंने पैसे दिए हुए थे। ये हम बात कर रहे हैं जब हमारा बिजनेस एडवांस में पैसे दे दे। एग्जाम्पल, हमारी कंपनी ड्राई लिमिटेड से, हमारी कंपनी है ड्राई लिमिटेड, उसने वेट लिमिटेड से
एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट हम वेट लिमिटेड से क्या लेंगे, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। किसी को समझते हैं, हमने पेमेंट कब की है, ऑन 1 मई, और कितनी पेमेंट की है, 2,70,000। ये कितने महीनों का एडवांस है, 9 मंथ्स। तो काउंट करते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 महीने का एडवांस है और ये वैलिड रहेगा 30 जनवरी तक। लेट्स से फिर हम कहते हैं दिस विल इंक्रीज बाय 10% फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स। तो जनवरी के बाद जो 9 महीने आएंगे उसमें ये पेमेंट पिछले पेमेंट के मुकाबले में 10% ज्यादा होगी। अज्यूम हमारा साल खत्म होता है 30 जून पे, तो पहला साल खत्म हो रहा है 30 जून 2022, 30 जून 2020 तो हमारा ईयर एंड आ गया 30 जून 2022 एंड 30 जून 2023। आप क्या समझते हैं मुझे मार्केटिंग एक्सपेंस कितना दिखाना चाहिए? क्योंकि मैंने मई में 2,70,000 रुपये दे दिए हैं, तो क्या मुझे 2,70,000 रुपये एज एन एक्सपेंस दिखा देने चाहिए? नहीं दिखाने चाहिए। हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 2,70,000 एज प्रीपेड एसेट और क्रेडिट करेंगे कैश और बैंक 270,000। ये एंट्री हम कब पास करेंगे, ऑन 1 मई। दूसरी पेमेंट कब करोगे आप, फरवरी में? दूसरे 9 महीने की पेमेंट कब करेंगे, फरवरी में, लेकिन वो पेमेंट इससे 10% ज्यादा होगी। तो 2,70,000 का 10% कितना बनेगा, 27,000, 10 कम 27,000। तो 2,70,000 में अगर हम 27,000 प्लस कर दें, 2,97,000। तो दूसरी पेमेंट हम करेंगे 2,97,000 की और क्रेडिट कर देंगे कैश 2,97,000 से। ये वाली एंट्री हम कब करने वाले हैं, ऑन 1 फेब 2023।
जब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो पहला ईयर एंड क्लोजिंग का टाइम आ जाएगा 30 जून पे, जिसमें हम मई की सर्विसेज ले चुके होंगे और जून की सर्विसेज ले चुके होंगे 2 महीने की। हम ये देख सकते हैं कि अगर 9 महीने का खर्चा 2,70,000 है तो हर महीने का कितना होगा, 30,000, तो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 9 मंथ्स, मंथली एक्सपेंस हुआ 30,000। और 30 जून तक आप कितने महीने की सर्विसेज एंजॉय कर चुके हैं, 2 महीने की, तो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे 60,000 का, मुनासिब। अब क्योंकि आप 270 प्रीपे कर चुके थे, जिसमें से एक्सपायर कितने हो चुके हैं 60,000, तो हम इस एसेट में से 60,000 उठा के एक्सपेंस आउट कर देंगे, मार्केटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हमने रिकॉर्ड के लिए एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग एक्सपेंस और क्रेडिट कर देंगे प्रीपेड एसेट, आप उसको प्रीपेड लिखें या प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट लिखें, रिलेटेड खर्चे का नाम लिख दें तो भी चलेगा। तो एक्सपायर हम कर चुके हैं 60,000, ये एंट्री हम कब पास करेंगे, पहले साल के आखिर में, दैट इज 30 जून 2022। जब हम बैलेंस शीट दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएंगे, तो वहां पे एसेट दिख रहा होगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, दो आपने प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट में डेबिट किए थे 2,70,000, जिसमें से 60,000 आप क्रेडिट कर चुके हैं। अभी भी 7 महीने की एडवांस जमा है मेरी, 7 महीने के पैसे कितने बने, 2,10,000, तो यहां पे हम दिखा रहे होंगे 2,10,000। फिर आते हैं 2023, 2023 का साल खत्म कब हो रहा है, 30 जून में, तो शुरू कब होगा, 1 जुलाई, जुलाई की पेमेंट पुराने हिसाब में है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने पुराने वाले हैं, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने नए वाले हैं, ऐसा ही है। हमने ये देखा था कि अगर 9 महीने की पेमेंट 2,70,000 थी तो मंथली कितना आया था, 30,000। अब हमारी मंथली हमारी टोटल पेमेंट कितनी है, 2,97,000, 2,97,000, ये भी कितने महीने की पेमेंट है, ये भी 9 महीने की पेमेंट है, इसमें हर महीना कितने का निकलेगा, 33,000 का। अच्छा, अब हमारी कैलकुलेशन क्या कह रही है, 2023 में हम काउंट कर रहे हैं 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक, यही पूरा साल हमारा खत्म होगा। लेकिन हमारी पेमेंट्स का शेड्यूल देखो कैसा है, हम जुलाई से लेकर जनवरी तक पुरानी पेमेंट के हिसाब से चलेंगे, 30,000 रुपये महाना। अगर हमारा 30,000 रुपीज एवरी मंथ है तो ये कितने महीने है, गिनते हैं वापस, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने, 9 में से 2 पहले एक्सपायर हो चुके थे, 7 महीने ये रह गए, 7 महीने ये आ गए, जिसकी पेमेंट बन गई 2,10,000। फिर हम आते हैं फरवरी से लेकर जून तक, अब फरवरी से जून तक हर महीना कितने का है, 5 महीने होंगे जी, 5 महीने होंगे, तो 7 + 5 = 12 महीने पूरे हो जाएंगे, साल खत्म हो जाएगा। हर महीने की पेमेंट कितनी है, 2,97,000 डिवाइडेड बाय 9 मंथ्स, 33,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ्स, 1,65,000।
अब हमारा कितना एक्सपायर हो जाएगा? 3,75,75। इसको हम शो कर देंगे अपना एक्सपेंस। तो डेबिट करेंगे 2,97,000 एज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या मार्केटिंग एक्सपेंस, और क्रेडिट करेंगे 2,97,000 अपने प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट से। तो अब हम खर्चा कितना दिखाएंगे 2,97,000 का। ये देख सकते हैं हमने टोटल पेमेंट कितनी की है। पहले हमने पेमेंट की थी 2,70,000 प्लस, बाद में हमने पेमेंट कितनी की 2,97,000। इसमें से 60,000 हम पहले एक्सपायर कर चुके हैं और 2,97,000 हम बाद में एक्सपायर कर चुके हैं। ये अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अभी भी हमारा एडवांस में पेड है। हाँ सॉरी माय मिस्टेक 375 सॉरी ये आ गया, जिसमें 7 महीने पुराने थे और 6 महीने 5 महीने नए थे, राइट। तो अब हम अगर टोटल एसेट में देखें, यू समझ लेंगे हमारा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है। तो पहला हमने कैश जमा करवाया था ऑन 1 मई 22, तो कैश की वजह से ये डेबिट हुआ था 2,70,000 से, और 30 जून पे ये क्रेडिट हुआ था प्रॉफिट लॉस की वजह से 60,000। बाकी बचा था हमारा सीडी बैलेंस, और एडवांस में हमारे 2,10,000 जमा थे, फिर आते हैं ब्रॉड डाउन बैलेंस। पहले ही कितने से जमा थे? 210 हमारे एडवांस में जमा थे, फिर हमने 1 फरवरी पे मजीद पैसे जमा करवाए 2,97,000, जिसमें से खर्चा कितना हो गया 3,75,000 का। तो एक्सपेंस में हमने चार्ज कर दिया 30 जून 23 पे, प्रॉफिट लॉस में 3,75,000। बैलेंस देखे हमारा कितना जमा है, ये कितना बना 5,07,000, प्लस करें दोनों को 5,07,000 में से 3,75,000 तो आपके एक्सपायर हो गए क्योंकि इतनी आप सर्विसेज ले चुके हैं। बाकी कितने जमा है 132। दूसरा देखने का तरीका यह हो सकता है कि हमने ये जो 2,97,000 की पेमेंट की, ये कितने महीने की है? 9 महीने की, जिसमें से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने एक्सपायर हो चुके हैं। बाकी कितने महीने रह गए? 4। अगर हर महीने की पेमेंट 33,000 है, 5 एक्सपायर हो गए ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीने की पेमेंट थी, 9 में से 5 एक्सपायर हो गए थे, बाकी 4 महीने रह गए। हर महीने की पेमेंट कितनी है? 33 × 4 करो, ये हमारा प्रीपेड एसेट बन जाएगा। तो हमारा प्रीपेड एसेट आ रहा है 1,32,000। तो ये कहानी को समझना है कि प्रीपेड का मकसद एडवांस में पेड, हम एडवांस में दें। अगर कोई कस्टमर या कोई इनकम हमें एडवांस में मिल जाए तो उसको हम प्रीपेड नहीं कह सकते,
वो प्री रिसीव्ड है, वो प्री पेड नहीं है। कॉन्सेप्ट सब में अक्रूअल्स ही चल रहा है कि हम इनकम को इनकम पैसे मिलने पे नहीं मान रहे और खर्चे को खर्चा पैसे देने पे नहीं मान रहे, सर्विसेज रेंडर होने पे। यस राइट, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। प्री पेमेंट समझ में आ गया। अब हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि कस्टमर अगर हमें एडवांस में पैसे दे दे तो उसका क्या करेंगे। हाँ राइट, एसेट को लायबिलिटी कर देंगे। कैसे करेंगे अभी उस पर डिस्कस करते हैं। इसमें बी डी या बी एफ या ओपनिंग, जो हमने नेचर ऑफ एसेट्स पढ़े थे ना, सॉरी अकाउंट्स पढ़े थे, वो थे एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रा, छह। आप सोचो इनमें से कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एक साल खत्म होने से खत्म नहीं होंगी। मिसाल एसेट है, हमने अगर 2019 में बैंक में पैसे रखवाए थे, लोगों के पास उधारी थी, इन्वेंट्री है, मशीन्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, फिक्स्चर्स हैं, फर्नीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, अगर 2019 खत्म हो जाता है तो क्या होगा, एसेट्स खत्म हो जाएंगे? नहीं ना, 2020 को विरसे में मिलेंगे ना। तो हम एसेट को क्या करते, सीडी करते, कैरी डाउन करते, कैरी फॉरवर्ड करते, और 2020 में उसको बीडी करते हैं, ब्रॉड डाउन करते हैं या ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं या ओपनिंग करते हैं। अच्छा, लायबिलिटीज का सोच लेते हैं। 2019 में आपने बैंक से लोन लिया, आपने कुछ सप्लायर से उधारी ली, कुछ अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, यानी आप इंजॉय कर चुके हैं सर्विसेज लेकिन आपने पेमेंट नहीं की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र 2019 खत्म हो जाता है, तो हमने खत्म हो गया तो क्या हुआ, बैंक का कर्जा माफ हो जाएगा? नहीं ना, जो सप्लायर्स को आपने पैसे देने थे माफ हो गए? नहीं। जो एम्प्लॉयज की तनख्वाह उधार थी माफ हो गई? नहीं। तो लायबिलिटी भी साल खत्म होने से खत्म नहीं होती है, तो यहां से कैरी फॉरवर्ड होती, अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड होगी। इसी तरीके से ऑनर ने जो पैसे दिए हुए थे, साल खत्म होने से ऑनर के पैसे भी जाया नहीं हो जाते, प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं, रिटेन प्रॉफिट्स होते जाते। तो एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और कॉन्ट्रा टू एसेट्स, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, साल खत्म होने से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म नहीं होती, वो एक साल से कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल में ब्रॉड फॉरवर्ड होती है। लेकिन इनकम और एक्सपेंस हर साल सिरे से शुरू करेगा, जीरो से शुरू करेगा। तो 2019 अगर खत्म हो गया, हम इनकम को बोलेंगे बस 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 रुक जाओ, अब जब 2020 की पहली जनवरी से आप पैसे कमाना शुरू करेंगे तो प्रॉफिट लॉस में इनकम कितनी दिखाएंगे, जो 2020 से शुरू होगी, या 2019 वाली इनकम भी इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे? नहीं। इसी तरीके से खर्चे जो 2019 में हो गए सो हो गए, 2020 के खर्चे फिर जीरो से शुरू किए जाएंगे। तो दो अल्फाज हम यूज करते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस और एक होती है पोजीशन। परफॉर्मेंस का मकसद कि एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर हमने क्या गंवाया और क्या खर्च किया, ये परफॉर्मेंस है, ये एक गिवन टाइम की होती है। और पोजीशन क्या होती है, ये हमारी बैलेंस शीट की वैल्यू है। तो एक साल से दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड होती है। तो जब हम अकाउंट्स ओपन करते हैं, 2022 का अकाउंट जब हमने क्लोज किया होगा तो उसको हमने यहां क्या कर दिया होगा, सीडी बैलेंस, कैरी डाउन बैलेंस, ये यहां हमने कर दिया क्लोज। अब जब नया खाता खोलेंगे, नए लेजर्स बनाएंगे, तो उसमें ये ब्रॉड डाउन होके आएगा। तो सीडी का मकसद क्या हुआ, कैरी डाउन, और बीडी का मकसद क्या हुआ, ब्रॉड डाउन। और ये कौन से अकाउंट्स में होगा, चार अकाउंट्स में होगा, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और कॉन्ट्रा टू एसेट। जबकि रेवेन्यू और एक्सपेंस वो एक साल से दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, वो जिस साल के होंगे हम उसी साल में छोड़ के चले जाएंगे, नया साल जीरो से शुरू करेंगे। तो ये हो गया जब हम अपने सर्विस प्रोवाइडर को, एम्प्लॉई को, वेंडर को, सप्लायर को एडवांस में पैसे हम दें, तो ये प्री पे हो गया। लेकिन अगर मुझे कस्टमर एडवांस में पे करता है
ऐसे केस में हमारे बिजनेस को पैसे मिलेंगे या हम पैसे देंगे? मिलेंगे। हुआ यूं है कि कस्टमर ने हमें एडवांस बुकिंग में या एडवांस में पैसे दे दिए हैं, लेकिन हमने ताहाल उसको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए हैं, हमारे बिजनेस ने, राइट। तो क्योंकि हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट के फॉलोअर हैं, मानने वाले हैं, हम पैसे मिलते ही अपनी इनकम नहीं मान लेंगे क्योंकि पैसे मिल गए हैं। हाँ, अगर हम कैश कॉन्सेप्ट फॉलो करते, जिस तरह टैक्सेशन अथॉरिटीज बास जगहों पे रिसीट बेसिस पे टैक्स करती है, तो अगर आपको 2022 में 2022 में कस्टमर ने पैसे दे दिए, हालांकि वो आइंदा आने वाले 9 महीने का एडवांस है, लेकिन एफबीआर वाले बोलेंगे क्या हो गया, पैसे तो मिल गए ना, टैक्स दो। लेकिन अकाउंटिंग कहेगा कि नहीं भाई, नहीं, 2022 में मिले हैं, इसका हरगिज मकसद नहीं है कि सारे के सारे पैसे 2022 ही रखेगा। ये स्प्लिट होंगे, प्रोपोर्शनेट होंगे, जो जो महीने की इनकम मैं अभी कमा लूंगा, हलाल कर लूंगा, वो अभी मान लूंगा, बाकी जो नहीं अभी मैंने हलाल की उसको मैं अपनी इनकम नहीं मान सकता। जब कस्टमर हमें एडवांस में पैसे देता है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एक वर्ड यूज करते हैं, डेफर्ड इनकम, या इसको कहा जाता है अनअर्न्ड इनकम। ये ऐसी इनकम है जो हमने अभी तक कमाई नहीं है, मिल गई है, रिसीव हो गई है, लेकिन हमने अभी तक कमाई नहीं है, अनअर्न्ड है। और डेफर्ड का मकसद डिले करना, ये एक ऐसी इनकम है जो डेफर्ड है, डिलेड है, हम इसको अपनी लायबिलिटी मानते हैं। ऑल्दो हमने इसके बदले में कस्टमर को पैसे नहीं देने हैं, लेकिन सर्विसेज देनी है। तो होता क्या है, जब कस्टमर हमें पैसे देगा तो डेबिट हम कैश और बैंक तो कर लेंगे, लेकिन क्रेडिट हम रेवेन्यू या इनकम या अदर इनकम या प्रॉफिट लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे मिले हैं लेकिन हमने अभी तक सर्विसेज रेंडर प्रोवाइड की नहीं है। हम उसको क्रेडिट क्या करेंगे, एज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नाम क्या रखेंगे, अनअर्न्ड इनकम। एक छोटी सी चीज याद दिला दूं, इनकम और रेवेन्यू में क्या फर्क होता है। रेवेन्यू जो मेन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हो, तो हम इसको अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारा काम तो कोई और है, लेकिन हमने अपना कोई स्पेस किराए पे दे दिया है, तो स्पेस किराए पे देना हमारा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ऐसे ही साइड इनकम के लिए। तो ऐसे केस में जो एडवांस में आपको किराएदार किराया दे दे, उसको हम अनअर्न्ड रेंट कहेंगे। लेकिन अगर आपका कोई मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है और उसके अगेंस्ट आपको एडवांस में पैसे मिल जाए, तो हम उसको अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कह सकते हैं। जब हमें मिलेंगे पैसे, हम डेबिट करेंगे कैश और बैंक, और क्रेडिट कर देंगे अनअर्न्ड इनकम। ये तब होगा व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इन एडवांस। ध्यान में रहे, इसको प्री पेमेंट का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्री पेड का मकसद प्री पेड एडवांस में देना। जैसे जैसे हम सर्विसेज देते जाएंगे, वैसे वैसे हम डेबिट करते जाएंगे अनअर्न्ड इनकम को, और क्रेडिट करते जाएंगे अगर आपका मेन कोर्स है तो रेवेन्यू को, अगर कोई साइड इनकम है तो अदर इनकम को।
मुनासिब। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यही वाला सवाल अब हम रेसिपिएंट की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। हमने ये सोचा देखा था कि ड्राई लिमिटेड ने मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वेट लिमिटेड के साथ, तो ड्राई लिमिटेड ने क्या एंट्रीज की, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इंजॉय की हैं, तो ड्राई लिमिटेड के लिए इट वॉज एन एक्सपेंस, तो उसको हमने देख लिया कि उसने प्रीपे किया और एक्सपायर होने पर एक्सपेंस दिखाया। वेट लिमिटेड के लिए तो इनकम है क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फिगर्स हम सेम यूज कर लेते और ईयर एंड भी सेम यूज कर लेते हैं, लेकिन अब के बाद हम शो करेंगे एक्सपेंस नहीं बल्कि रेवेन्यू। वेट लिमिटेड को कितने पैसे मिले हैं, पहले 2,70,000। तो वेट लिमिटेड डेबिट करेगा कैश और बैंक 2,70,000, लेकिन क्योंकि हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए तो हम इस 2,70,000 रुपए को हजम नहीं करेंगे, अपना नहीं मानेंगे, बल्कि इसको क्रेडिट कर देंगे अपनी लायबिलिटी की हैसियत में एज अनअर्न्ड इनकम। दूसरे पैसे कब मिले हैं, राइट तो ये वाली एंट्री हमने कब पास की होगी, फर्स्ट मई 2022 में। और दूसरे पैसे हमें कितने मिले हैं, 2,97,000 डेबिट किया होगा हमने कैश और बैंक 2,97,000 से, और क्रेडिट करेंगे अनअर्न इनकम अगेन 2,97,000 से। ये हमने किया होगा इन फरवरी 23। मुनासिब। इसमें से अगर हमारा साल खत्म होता है 30 जून पे, तो हम रेवेन्यू दिखाएंगे अगेंस्ट एज एडवर्टाइजमेंट सर्विसेस, सही है? कितना रेवेन्यू दिखाएंगे, 2 महीने का, मई एंड जून। अगर 2,70,000 मिलते हैं हमें 9 महीने के एवज, तो हर महीने का रेवेन्यू हो गया 30,000, 2 महीने का रेवेन्यू हो गया 60,000। ऐसे केस में हम अपनी लायबिलिटी में से 60,000 खत्म करेंगे, यानी अनअर्न्ड इनकम को हम डेबिट कर देंगे और रेवेन्यू या एडवर्टाइजमेंट इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे बाय 60,000। ये हम कब रिकॉर्ड करेंगे, यस एट 30 जून 2022। फिर हमने जुलाई से लेकर जनवरी तक के पैसे तो एडवांस में लिए हुए थे, फिर फरवरी में हमें मजीद 9 महीने के पैसे एडवांस मिले, ये हमने कैलकुलेट किया था कितना, 375। ये 12 महीने की इनकम है 3,75,000, तो इसको हमने डेबिट कर दिया अनअर्न इनकम से और क्रेडिट कर दिया रेवेन्यू में 375,000। अकाउंट बनाते हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू का। इस केस में हमें पैसे पहले मिले हैं, 2,70,000 मिले हैं, तो अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट हुई है कैश की वजह से और कैश डेबिट हुआ है अनअर्न्ड इनकम की वजह से, तो अनअर्न्ड इनकम को हम क्रेडिट करेंगे इन मई 22 रेफरेंस किसकी वजह से, कैश की वजह से। पैसे हमें मिले हैं 2,70,000।
इसमें से जून 2022 में हम रेवेन्यू की तरफ ट्रांसफर कर चुके कितने पैसे? तो रेवेन्यू की वजह से अनअर्न इनकम डेबिट हुआ और अनअर्न इनकम की वजह से रेवेन्यू क्रेडिट हुआ 60,000। लेकिन अब ये वाली किताबें खत्म हो गई, अब नई किताबें खुलेंगी। तो इस किताब में हम रखेंगे सीडी बैलेंस, कैरी डाउन बैलेंस, इस कस्टमर के हमारे पास कितने पैसे जमा है? 2,70,000 जमा थे, जिसमें से 60,000 की सर्विसेज हम इनको दे चुके हैं, बाकी 2,10,000 के मकरूज हैं, कर्जा है हमारे ऊपर, जिसकी सर्विसेज हमने अगले साल देनी है। अगला साल लायबिलिटी खुलेगी, लायबिलिटी खुलेगी क्रेडिट साइड पे इन जुलाई 2022 ब्रॉड डाउन बैलेंस। पहले ही हमारे ऊपर ड्यू कितना है? 2,10,000। और कस्टमर ने फरवरी 23 में मजीद पैसे देकर हमारा कर्जा बढ़ा दिया, और इस बार कस्टमर ने हमें पैसे कितने दिए हैं? 2,97,000। तो टोटल इसके अकाउंट में जमा कितने होते हैं? 5,07,000। जबकि जून 2022 में हम इसमें से हलाल कर चुके हैं 3,75,000। तो 5,07,000 में से अगर 3,75,000 माइनस कर दें तो मेरे ऊपर अभी कितनी लायबिलिटी मौजूद रहेगी? 23 में, राइट, सॉरी, 1,32,000। तो ये आ गया रेवेन्यू, और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे हम अपनी लायबिलिटी दिखाएंगे, द नेम ऑफ अनअर्न्ड इनकम या अनअर्न्ड रेवेन्यू। पहले साल के आखिर में हमारे ऊपर अनअर्न्ड रेवेन्यू था 2,10,000 का, और दूसरे साल के आखिर में 1,32,000। तो पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, जब हम एडवांस में पैसे देंगे तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे सर्विसेज हमें मिलती जाएंगी हमारा एसेट कम होता जाएगा, यूटिलाइज होता चला जाएगा। और अगर कस्टमर हमें एडवांस में पैसे दे देगा तो वो हमारे सर पर बोझ रहेगा, लायबिलिटी रहेगी, और जैसे जैसे हम कस्टमर को सर्विसेज देते जाएंगे या गुड्स देते जाएंगे वैसे वैसे हमारा बोझ कम होता जाएगा और लायबिलिटी खत्म होती जाएगी। लायबिलिटीज में दिखाएंगे, अगर आपको लगता है कि ये सर्विसेज आप अभी 2-3 साल तक दे के जान छुड़ाएंगे, मिसाल के तौर पे आप किसी बैंक को अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे दें और वो बैंक आपको आइंदा आने वाले 3 सालों का किराया दे दे, तो उसमें से 12 महीने का किराया तो 1 साल के अंदर मिल जाएगा और बाकी 2 सालों का किराया आफ्टर 1 ईयर मिलेगा। तो पैसे तो उसने एडवांस में दे दिए, लेकिन हम लायबिलिटी को 1 साल के लिए करंट और जो 2 सालों के एडवांसेस को नॉन करंट में दिखाएंगे, ठीक है, करंट और नॉन करंट में तोड़ के दिखाएंगे। तो इस केस में हम इसको दिखाएंगे एज अनअर्न्ड रेवेन्यू और ये दिखाएंगे अपनी लायबिलिटीज में। हाँ जी, रेवेन्यू हमारा प्रॉफिट लॉस में, ये प्रॉफिट लॉस। दो वर्ड हमने देख लिया, एक प्रीपेड एसेट जिसमें हम एडवांस में पैसे दे दें और सर्विसेज हमें बाद में मिलेंगी, दूसरा अनअर्न्ड इनकम या अनअर्न्ड रेवेन्यू जिसमें कस्टमर हमें एडवांस में पैसे दे दे
लेकिन सर्विसेज या गुड्स हम उसको बाद में देंगे, हम देंगे बाद में। तीसरा पर्सपेक्टिव ये है कि हम सर्विसेज एंजॉय कर लें लेकिन पैसे बाद में देंगे। अगर हम सप्लायर से गुड्स अभी ले लें लेकिन पैसे ना दें तो क्या बनेगा? पेएबल। अगर हम कोई सर्विसेज एंजॉय कर लें लेकिन पेमेंट ना दें, पे ना करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? अक्रूड एक्सपेंस। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अक्रूड एंड पेएबल्स। फर्क सिर्फ यह है कि पेएबल का टर्म हम गुड्स परचेज करते हैं और पैसे नहीं देते, अक्रूड का मकसद हम सर्विसेज एंजॉय कर लेते हैं लेकिन अभी पैसे नहीं देते हैं, दोनों लाइबिलिटीज। ऐसे केस में पैसे बाद में देने हैं। पहले वाले दो केसेस में पैसे एडवांस में मिल रहे थे, तो अक्रूड का मकसद दैट बिजनेस हैव एंजॉयड द सर्विसेज बट नॉट येट पेड फॉर, कि सर्विसेज हम इंजॉय कर चुके हैं लेकिन पैसे हमने दिए नहीं हैं। व्हाट डू यू थिंक शुड दिस बी ट्रीटेड? राइट, दिस इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। कब तक इसको लायबिलिटी मानेंगे? राइट, अंटिल पे, जब तक हम पे नहीं कर देते हैं। तो अब किसा हमने एडवांस से पोस्ट पे पे कर दिया, प्री पे से पोस्ट पे पे कर दिया है कि हम सर्विसेज पहले एंजॉय कर लेंगे लेकिन पेमेंट बाद में करेंगे। ऐसे केस में क्या होगा? जब सर्विसेज आप ले चुके हों, ईयर एंड आ जाए और आपने पैसे ना दिए हों, डेबिट करेंगे रेलेवेंट एक्सपेंस जिसकी सर्विसेज आपने एंजॉय की हुई है। मसलन आपने कोई फर्म एंगेज की जिससे आप रिसर्च करवा रहे हैं, तो रिसर्च कंपनी ने आपके बिहाफ पे सर्टेन डेटा कलेक्ट किया है, सर्वेस किए हैं, रिसर्च की है, और उसका बिल आपको वो भेज चुके हैं कि आप कंपनी की तरफ से 4 लाख रुपए आपके ऊपर बकाया है क्योंकि हम आपके बिहाफ पे सर्विसेज कर चुके हैं। तो हम उनसे बेनिफिट ले चुके हैं, रिसर्च करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं की। तो आप इस केस में रिसर्च एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। आप किसी को कहें कि यार मेरे बिहाफ पे तुम एडवर्टाइजमेंट कर दो, पैसे दे रहा हूं, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अगर हम किसी की जगह इस्तेमाल कर लें और पैसे ना दें, तो रेंटल एक्सपेंस। अगर हम बैंक से लोन लें, इंटरेस्ट अक्रू हो जाए, ड्यू हो जाए, लेकिन हम पे ना करें, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस। जो भी खर्चा आपके ऊपर बकाया है उसको हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस में, जितना भी आपके ऊपर ड्यू हो चुका है, और क्रेडिट कर देंगे क्योंकि पैसे नहीं दिए, इसको हम क्रेडिट करेंगे एज अक्रूड एक्सपेंस। और इस अक्रूड एक्सपेंस की नेचर क्या है? लायबिलिटी। एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू द पेएबल। हाँ, नहीं, गुड्स के लिए हम पेएबल का टर्म ही यूज करते हैं। मिसाल जब हम क्रेडिट पे गुड्स बाय करते हैं तो हम डेबिट करते हैं परचेजेस, क्रेडिट करते हैं अकाउंट्स पेएबल या ट्रेड पेएबल। तो बात तो वही होगी कि आपने गुड्स ले लिए लेकिन पैसे नहीं दिए, तो हम उसकी जगह पे अकाउंट्स या ट्रेड पेएबल का टर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर आप सर्विसेज एंजॉय कर लें और पैसे ना दें, तो आप उसको यूज करते हैं एज अक्रूड एक्सपेंस। सो डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस में और क्रेडिट कर देंगे लायबिलिटी। आर्ग्यू किया जा सकता है कि प्रॉफिट लॉस में क्यों भेज रहे हैं जब पेमेंट ही नहीं की? तो हम ऑफकोर्स कैश कॉन्सेप्ट नहीं चलाते, हम अक्रूड बेसिस चलाते हैं। तो सर्विसेज क्योंकि हम ले चुके हैं तो खर्चा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, भले पेमेंट हम एडवांस में करें या बाद में करें, पेमेंट से कोई मसला नहीं है, मसला सर्विसेज एंजॉय करने से है।
सो ये रिकॉर्ड किया जाएगा एट ईयर एंड व्हेन सर्विसेज हैव बीन एंजॉयड। बाद में जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो पैसा तो आउटफ्लो बाद में होगा, कैश तो आउटफ्लो बाद में होगा, लेकिन हम उसको एक्सपेंस तब नहीं मानेंगे जब हम पैसे देंगे। ऐसे केस में वो पैसे देने से हमें क्या फायदा होगा, हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्रेडिट कर देंगे कैश ऑन बैंक। लेट्स है एक कंपनी है रेज लिमिटेड, हमारी कंपनी ने 2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया है फ्रॉम राइट लिमिटेड बैंक। ऑन 1st October 2021 एट 10% इंटरेस्ट सिचुएशन समझते हैं। लोन कितना लिया हमने, 25 मिलियन, 2.5 करोड़ रुपए। कितने मार्कअप पे लिया है, 10% पर एनम। जबकि हम बैंक को इंटरेस्ट कब कब देंगे, सेमी एनुअली, एक साल में 2 बार। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं, लोन अपने ऊपर है 2.5 करोड़ रुपए का, जिसपे पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 25 लाख, सही है, 2.5 मिलियन, 25 लाख। लेकिन मैं दूंगा कैसे, एक साल में 2 बार, यानी 6 बाय 12, 6 बाय 12 करके। ये इंटरेस्ट आप देंगे कब कब, लोन कब लिया है, अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पहली पेमेंट करेंगे मार्च 2022 में, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दूसरी पेमेंट कब करेंगे, सितंबर 2022 में। अगर हम अपना ईयर एंड रखते हैं June 30, 2022, तो आप बैंक के पैसे कितने महीनों से इस्तेमाल कर रहे हैं,
30 जून हो चुकी है, कितने महीनों से आप पैसे एंजॉय कर चुके हैं? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च, अप्रैल मई जून, 9 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा? ये 6 महीने का है, ये 12 महीने का है। अगर यस 25 लाख को डिवाइडेड बाय 12 करें या 12,50,000 को डिवाइडेड बाय 6 करें, बात तो एक ही है। 25 लाख को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2,08,333। इसको मल्टीप्लाई कर देते 9 महीने से, राइट तो हम रिकॉर्ड करेंगे इस साल इंटरेस्ट एक्सपेंस 18,75,000। तो यहां पे हम देखेंगे रेलेवेंट एक्सपेंस में हम डेबिट कर रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम पैसे इस्तेमाल कर चुके हैं बैंक के, जिसके जिसका हमारे ऊपर मार्कअप कितना आ चुका है, 1,875,000। और ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है 1,875,000। इसमें से पैसे कितने दे चुके हैं आपको क्या लगता है, हम कितनी पेमेंट कर चुके होंगे ड्यूरिंग द ईयर? कोई पेमेंट की होगी अक्टूबर से लेकर जून के दरमियान? 6 महीने के बाद की होगी ना, मार्च में हमने पेमेंट की होगी, तो मार्च में कितनी पेमेंट की होगी हमने? 12,50,000। ये देखिए हमारा तय था कि आपने 12,50 देने हैं मार्च में और 12,50 देने हैं सितंबर में, तो सितंबर 2022 तो अभी आया नहीं है, तो 12,50 आप कैश पे कर चुके हैं। बाकी अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट में अक्रूड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पेएबल कितना होगा? तीन महीने का बाकी है ना, दैट वुड बी फॉर अप्रैल मई जून, 3 महीने का बाकी होगा। तो 3 महीने का अमाउंट कितना बनेगा? 25 लाख को डिवाइड किया आपने 12 महीने से तो ये बना था, राइट इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 महीने से। जुलाई अगस्त सितंबर तो अभी आया ही नहीं है, तो वो आप अपनी लायबिलिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आपने टाइम पीरियड एंजॉय ही नहीं किया तो आप उसको अपनी लायबिलिटी अभी बोल नहीं सकते। लेकिन यू हैव एंजॉयड द अप्रैल मई एंड जून, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए उसके, 6,25,000, 6,25,000। तो आप देख सकते हैं 12,50 आप दे चुके हैं, 6,25 आपके ऊपर ड्यू है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 18,75,000 बनेंगे। अच्छा अब हम एक डिस्कस कर चुके कि हमारा बिजनेस एडवांस में पैसे दे दे लेकिन सामने वाली पार्टी हमें सर्विसेज या गुड्स बाद में दे, तो क्योंकि हम पैसे दे तो चुके हैं उन पैसों को हम अभी अपना एसेट मानते हैं एज ए प्रीपेड एसेट, बिकॉज हमें इन पैसों की बदौलत फ्यूचर में गुड्स मिलेंगे या सर्विसेज मिलेंगे, तो इस वजह से हम उसको अपना एसेट मान लेते हैं। ये हो गया एक केस। दूसरा केस हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कस्टमर हमें एडवांस में पैसे दे दे और हमने अभी तक उसको गुड्स या सर्विसेज नहीं दी हैं, तो क्योंकि उसके पैसों को हम अपनी इनकम नहीं मान सकते, रेवेन्यू नहीं मान सकते, हम उसको मानते हैं अपनी अनअर्न इनकम, अपनी लायबिलिटी। तीसरा केस हमने पढ़ा था कि हम अगर किसी से सर्विसेज ले लें लेकिन उसको पैसे ना दें, अभी तक पैसे नहीं दिए हमने, तो एम्प्लॉय को अगर हम अगले महीने की 5 तारीख पे सैलरी देते हैं तो पिछले महीने के आखिर में हम उसको एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लेंगे लेकिन पैसे क्योंकि नहीं दिए तो हम उसको शो करेंगे अक्रूड सैलरीज।
अगर हम मालिक मकान को किराया अगले महीने की 5 या 10 तारीख पे देते हैं, लेकिन किराया है तो पिछले महीने का, तो पिछले महीने की स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हम रेंटल एक्सपेंस तो दिखा देंगे, लेकिन शो करेंगे अक्रूड रेंटल्स। योग्य 3 केसेस। चौथा केस बड़ा सिंपल सा है, मैं आप लोगों से पूछूंगा। अगर हम कस्टमर को सर्विसेज दे दें और वो पैसे ना दें, अक्रूड रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू या अनअर्न इनकम का मकसद है कि पैसे मिल चुके हैं, पैसे एडवांस में मिल चुके हैं, लेकिन मैंने सर्विसेज नहीं दी। ये बिल्कुल सिंपल सा केस है। जिस तरह हम क्रेडिट पे गुड्स बेचें तो हम गुड्स तो अभी दे देते हैं, लेकिन कस्टमर हमें अभी पैसे नहीं देता, तो उसको क्या कहते हैं? रिसीवेबल। इसी तरीके से हम अगर सर्विसेज दे दें और कस्टमर ने ताहाल हमें पैसे नहीं दिए, हमने अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे दी है और वो बैठ भी चुका है लेकिन उसने अभी तक हमें पैसे रेंट दिया नहीं है, तो उसको हम सिंपली कहते हैं रिसीवेबल। ये चौथा पार्ट है रिसीवेबल का। हाँ, अनअर्न इनकम को डेफर्ड या अक्रूड रेवेन्यू सेम है। हाँ अच्छा, रिसीवेबल अब क्या बनेगा? व्हेन सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड बट पेमेंट नॉट रिसीव्ड, और अब तक हमें पैसे मिले नहीं है, राइट? सो इसको हम कहते हैं रिसीवेबल। यूजुअली जो वर्ड आपने यूज़ किया जवेरिया, अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल, हम उन रिसीवेबल्स को कहते हैं जो हमारे यूजुअल या रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, जो हमसे चीज़ें खरीदते रहते हैं। और सिर्फ रिसीवेबल तब यूज़ किया जाता है जब हम क्रेडिट पे कोई ऐसी चीज़ बेचें जो हम रोज़ रोज़ नहीं करते। तो अगर आपका रेगुलर कस्टमर लिस्ट है जो आपसे फ्रीक्वेंटली चीज़ें खरीदते रहते हैं, तो उसको हम अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बेची है जो आप रोज़ रोज़ नहीं बेचते, या वो बंदा या वो कंपनी आपका रेगुलर कस्टमर नहीं है, तो उसको हम सिर्फ रिसीवेबल कहते हैं। सिंपल। अच्छा, इस केस में अब ये तो केस हमने मुतअद्दिद बार समझा भी हुआ है पास्ट में कि अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं लेकिन सामने वाले कस्टमर ने ताहाल अभी मुझे पैसे नहीं दिए, तो हम क्या करेंगे? जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके होंगे उस वक्त डेबिट करेंगे रिसीवेबल और क्रेडिट कर देंगे अपना रेवेन्यू या फिर सिंपली कोई इनकम। तो अगर आपका मेन कोर्स है तो हम उसको रेवेन्यू में डाल देंगे, लेकिन अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज या एक्स्ट्रा गुड्स आपने दिए हैं जो आप रेगुलरली नहीं करते, तो उसको आप इनकम में डाल देंगे। तो ये हम एंट्री पास करेंगे व्हेन सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड, जब हम सर्विसेज दे चुके हैं, और जब हमें वो पैसे देगा तो तब हम डेबिट करेंगे कैश और बैंक, और पैसे मिलने पर हम इनकम नहीं मानेंगे क्योंकि इनकम हम पहले ही मान चुके हैं जब हमने गुड्स दिए थे। सो दिस इज व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। अच्छा, कस्टमर में क्योंकि एक डर सा रहता है कि सारे कस्टमर्स में भी हमें पैसे ना दें, तो हम अपनी प्रैक्टिसेस के लिए क्या करते हैं, रिसीवेबल्स के लिए एक अलग से कॉन्ट्रा एसेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स या फिर अलाउंस फॉर डाउटफुल
डाउटफुल डेट्स जी। इसको कुछ किताबें प्रोविजन फॉर रिसीवेबल्स भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, या अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं। और ये नेचुरली क्या कहलाएगा, ये हमारा एसेट नहीं है बल्कि ये कॉन्ट्रा टू एसेट है। ऐसे केस में जब हम रिसीवेबल दिखाते हैं तो बैलेंस शीट में रिसीवेबल दिखाने का तरीका क्या होता है कि जो भी हमारा रिसीवेबल है यानी ग्रॉस रिसीवेबल है इसमें से हम माइनस करते हैं, एक लफ्ज हम यूज कर रहे हैं बैड डेट्स, इसको हम बैड डेट्स भी कहते हैं या इररिकवरेबल डेट्स भी कहते हैं। ये वो कस्टमर्स होते हैं जो कंफर्म हो जाता है कि अब पैसे नहीं देंगे। मिसाल के तौर पे किसी कस्टमर्स को आपने उधार दी हुई है लेकिन उनकी फसलें डूब गई, किसी कस्टमर को आपने उधार दी हुई है लेकिन उसने दिवालिया डिक्लेयर कर दिया, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। ये एक लीगल प्रोसेस होता है कि किसी भी शख्स के ऊपर अगर कर्जे बहुत ज़्यादा हो जाए और जिनके पैसे हैं वो उसको तंग करते रहे, तो ये एक लिमिट पे आके कहता है कि भाई मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मैं कहां से दूंगा। लेकिन लोग क्योंकि इसके घरों पे जाते हैं, इसको तंग करते हैं, इसको टॉर्चर करते हैं, इसको थ्रेटन करते हैं, तो ये सीधा सीधा जाके कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले लेता है और जज साहब को या कोर्ट को कहता है कि भाई मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं लोगों को इतने करोड़ रुपए या इतने लाख रुपए का मकरूज हूं लेकिन मेरे पास अभी हालात नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता। कोर्ट देखती है कि उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज, कोई बैंक बैलेंसेस, कोई बॉन्ड्स, कोई प्रॉपर्टीज, कोई ऐसी चीजें हो, अगर पता चलता है कि वाकई में ये इसके नाम पे कुछ भी नहीं है क्योंकि वो अक्सर अपने नाम पे रखता भी नहीं है, तो कोर्ट उसको बैंकक्रप्ट दिवालिया डिक्लेयर कर देती है। इंसॉल्वेंट वर्ड हम यूज करते हैं फॉर किसी कंपनी के लिए, जब बिजनेस दिवालिया होता है तो हम उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, जब कोई बंदा दिवालिया होता है तो उसको हम बैंकक्रप्ट कहते हैं। अच्छा, बैंकक्रप्ट होने के बाद अब कोर्ट उन तमाम लोगों को कहती है कि आप सर्टेन किलोमीटर्स के रेडियस में इसके करीब नहीं आ सकते। अगर आप में से कोई भी इसके करीब गया, इसको कांटेक्ट करने की कोशिश की और इसने उस टाइम पे खुदकुशी कर ली, तो ये आपके सर पे मर्डर का केस बनेगा। लिहाजा पैसे भी मेरे और मांगने से डरूं भी मैं, दो ये वैसे ह्यूमन राइट्स का पार्ट है लेकिन हमारे यहां बहुत सारे लोग इसको एक बैड प्रैक्टिस में यूज करते हैं। तो लोगों के पैसे ठीक ठाक खा के, जज साहब को कुछ हल्का फुल्का खिला पिला के और दिवालिया डिक्लेयर कर देता है। अब वो प्रोटेक्ट हो जाता है, वो मजे से घूम रहा होता है लेकिन जिसके पैसे होते हैं वो उसे मांगने से डरता है। और ऐसे ऐसे में भी किसी के करोड़ दो होंगे तो कोर्ट किस्त बांध देगी कि भाई 5,000 रुपए करके इसको हर महीने देते रहना। अब 2 करोड़ रुपए 5,000 महीने में कब पूरे होंगे, और वो भी वो कोर्ट में जमा करवाएगा, आप कोर्ट से लेने आना, तो 2 करोड़ रुपए जिसके डूबे होंगे वो बोलेगा भाड़ में जाए 5,000 रुपए मैं क्या करूंगा। बहरहाल ये बड़े मुश्किल मराइल होते हैं। अगर किसी कस्टमर ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है, आउट ऑफ बिजनेस हो गया है, लिक्विडेट हो गया है और हमें लगता है कि अब उसमें से पैसे मिलेंगे ही नहीं, तो हम उसका बेसिकली अकाउंट ही बंद कर देते हैं और उसको अपने रिसीवेबल से माइनस कर देते हैं। फिर आते हैं वो लोग जो दिवालिया होते तो नहीं है, हुए तो नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक डर है कि शायद इनसे हम 100% पैसे रिकवर ना कर सकें, तो उसके लिए हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक प्रोविजन बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं प्रोविजन फॉर रिसीवेबल्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स।
इसको भी माइनस करते हैं और ये हम दिखाते हैं अपने नेट रिसीवेबल्स। ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट हम कस्टमर को नहीं बताते कि कस्टमर समझ लेगा कि जब सोच ही लिया है कि मैं पैसे नहीं दूंगा तो जैसे आपकी मर्जी। इस वजह से हमने ये कस्टमर को नहीं बताना। कस्टमर के अकाउंट से हम पैसे तभी माइनस करेंगे जब वो बैंकक्रप्ट हो जाए, जब वो बैड डेट हो जाए, जब वो दिवालिया हो जाए, या फ़ोन मिला के देखे भाई से बात करो तो हम बोलेंगे खैर हो गया ऐसी क्या बात थी, नहीं ले रहे पैसे, भाई से बात क्यों करवा रहे हो। तो हमने जब उसको पैसे छोड़ दिए, एक हमारे यहाँ सिंधी या उर्दू में रखा जाता है फौती खाता, तो हम उसको एक फौती के नाम पर डालते हैं कि एक बंदे के ऊपर पैसे थे मेरे लेकिन वो फौत हो गया, जब मर गया तो आप पैसे कहाँ से मांगो। तो हम एक अलग से बैड डेट बनाते हैं, बैड डेट अकाउंट को सिंधी या उर्दू में हम लिखते हैं फौती खाता, तो वो फौती खाते में डाल देते हैं कि ये बंदा मर गया, भले जिंदा हो लेकिन हमारे लिए मर चुका होता है। अब सवाल ये आता है कि ये अलाउंसेस हम किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कितने कस्टमर या कितना अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स हमें रिकवर नहीं हो पाएगा। इसका एक तरीका है जनरल अलाउंस। जनरल अलाउंस में हम क्या करते हैं, हम तमाम कस्टमर्स को एक ही सफ में खड़ा कर देते हैं। हालांकि मुमकिन है कि आपके अगर 150-200 कस्टमर्स हैं तो इनमें से कोई 70-75 कस्टमर्स दूध के धुले हुए हों जो टाइम पे पैसे देंगे, और कुछ ऐसे होंगे थोड़ी अंगड़ाइयां करते हैं लेकिन पैसे फिर भी दे देते हैं, और कुछ तंग करते हैं लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि कौन प्रॉम्प्ट पेयर है और कौन स्लो पेयर है। हम देखते हैं कि अगर मेरे बिजनेस के टोटल रिसीवेबल्स 22 लाख रुपए के हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे 22 लाख रुपए के ऊपर 2-3% ठोक देते हैं। इस परसेंटेज को हम कहते हैं जनरल अलाउंस। तो जनरल अलाउंस में एक परसेंटेज अप्लाई की जाती है ऑन ऑल रिसीवेबल्स। ये बात समझ में आ गई। तो अगर 30 जून 2021 पे मेरे 22 लाख रुपए मार्केट में फंसे हुए हैं तो मैं 22 लाख रुपए के ऊपर लमसम एक 5%, 2%, 3% मार दूंगा। मिसाल मैंने 22 लाख रुपए के ऊपर 2% मार दिए जो कि 44,000 रुपये बनेंगे शायद, मैं 44,000 रुपए का अलाउंस ऑफ डाउटफुल डेट बनाऊंगा और प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस आउट दिखा दूंगा, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत आप नुकसान के होने का इंतजार नहीं करेंगे। अगर आपको डर है, आपके पास्ट प्रैक्टिस कहती है कि सारे पैसे रिकवर कभी भी नहीं होते, तो वो लॉस होने से पहले ही आप उसको लॉस दिखा देते हो, और जब वो लॉस कंफर्म होता है तो तब भी आप उसको लॉस दिखाते हो, जिसको हम कहते हैं बैड डेट एक्सपेंस। बात करते हैं आगे। दूसरा अलाउंस बनाने का तरीका होता है स्पेसिफिक अलाउंस। स्पेसिफिक अलाउंस में हम हर एक कस्टमर का बैलेंस रखते हैं और हर एक कस्टमर के आगे एक डाउट रखते हैं कि लेट्स से भाई ये हाजी रमजान है, तो हाजी रमजान से हमें मिलने हैं 4 लाख रुपए। मुझे लगता है कि हाई साहब हैं, ये पैसे कहीं नहीं जाएंगे, इसमें 0% डाउट है। दूसरा, मैंने देखा कि यार एक बंदे से मुझे मिलने हैं 1.5 लाख रुपए, कोई शफकत है। अब शफकत का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है, ये अक्सर लोगों के पैसे खा के बैठा है, तो मुझे डर है कि 20% डाउट है कि ये पैसे खा जाएगा, तो शफकत के बैलेंस के ऊपर मैंने 20% लगा दिए। इसी तरीके से तीसरा बंदा निकाला, लेट्स से गफूर है, गफूर के ऊपर 75,000 रुपए है, वो थोड़ा सुस्त है देने में, मुझे 5% डाउट है। अब ऐसे में मैं क्या करूंगा, हर एक बैलेंस के ऊपर अलग 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 परसेंटेज लगाऊंगा। अब सबके ऊपर मिला के मैं एक ही परसेंटेज नहीं लगाऊंगा, बल्कि अलग अलग कस्टमर के नाम से अलग अलग परसेंटेज लगाऊंगा, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक अलाउंस। इन दिस केस सेपरेट परसेंटेजेस अप्लाइड
on each customer. तो उनकी क्रेडिट रेटिंग्स के हिसाब से या पास रिकॉर्ड्स के हिसाब से इनके चाल चलन को देखते हुए हम इस पे अपना शक लगा रहे होते हैं कि किस में से कितना पैसा डूबने की गुंजाइश मौजूद है। बहरहाल सबको प्लस करेंगे तो ये हमारा अलाउंस बना जाएगा। तीसरा, अलाउंस बनाने का तरीका होता है एजिट डेटर एनालिसिस। डेटर का मकसद तो आप समझते हैं रिसीवेबल ही है, जिस तरह हम पेएबल को क्रेडिटर कहते हैं उस तरीके से रिसीवेबल को हम डेटर कहते हैं। एजिट डेटा एनालिसिस, इसमें हम एक लिस्ट बनाते हैं और डेटा को एज के बेसिस पे तोड़ते हैं। मिसाल, अगर हमारा क्रेडिट पीरियड मतलब यस फोर टाइम जो हमने उसको खुद से अलाउ किया है, लेट से अगर हमारा क्रेडिट पीरियड 30 डेज है तो कस्टमर मुझे 30 दिन में पैसे ना दे तो नहीं देगा क्योंकि मैंने खुद उसको कहा है। तो क्रेडिट पीरियड मतलब उधार की का दौरानिया कि कितने दिनों की उधार मैंने उसको की है। अब इसमें मैं मिसाल क्या करता हूं, मैं निकालूंगा कितने पैसे ऐसे हैं जिसको सेल किए हुए 30 दिन से कम टाइम गुजरा है। तो मिसाल के तौर पे अगर 25 लाख रुपए मेरे मार्केट में ड्यू हैं एट 30th September 2022, तो मैंने देखा इसमें से 12 लाख रुपए की सेल तो मैंने सितंबर में ही किया, यानी 25 लाख में से 12 लाख रुपए का रिसीवेबल कितना पुराना है, लेस देन 30 डेज। यानी इन कस्टमर्स ने अगर अभी पैसे नहीं दिए तो खैर हो गई, देने भी नहीं है क्योंकि इनका अभी 30 दिन का टाइम ही नहीं गुजरा। तो हम क्या करते हैं, लेट्स अस्यूम मैंने बना दिया कि भाई 12 लाख रुपए के रिसीवेबल्स ऐसे हैं जिनको अभी सेल किए हुए 30 दिन से भी कम टाइम हुआ है और मिसाल उस पर मैंने परसेंटेज लगा दी 0। फिर मैंने निकाले वो रिसीवेबल्स जो मोर देन 30 डेज बट लेस देन 60 डेज हुए हैं। तो जिन कस्टमर्स को मैंने अगस्त में चीजें बेची होंगी, 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, तो इन कस्टमर्स को 30 दिन से तो ज्यादा टाइम हो चुका है लेकिन अभी 60 दिन से ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मसलन मैंने ये देखा कि 7 लाख रुपए का बैलेंस ऐसा है जो पिछले महीने की सेल है और जो भी एक महीने से आगे चला जाता है उसमें मुझे डिफॉल्ट का डर होता है 2%। तो मुझे डाउट है कि 7 लाख में से 14,000 रुपए मुझे मिलेंगे नहीं। फिर हम रखते हैं वो सेल्स या वो पैसे जिनको 60 डेज से ज्यादा टाइम हो चुका है लेकिन अभी इनको 90 डेज से कम टाइम हुआ है। मिसाल के तौर पे 4 लाख रुपए ऐसे हैं जो 2 महीने से भी पुराने हो चुके हैं और जो 2 महीने से पुराने हो जाते हैं उन पे मेरा शक हो जाता है 5%। तो 4 लाख का 5%, मुझे डर है कि मेरे 20,000 रुपए डूब जाएंगे। फिर आप अगर मजीद कैटेगरी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन या फिर हम उसको समअप कर सकते हैं तमाम वो लोग जिनको 90 दिन से ज्यादा अरसा बीत चुका है।
फिर उसको 100 दिन हुए हों, 3 महीने, 4 महीने हुए हों, 5 महीने हुए हों, 6 महीने हुए हों, और ये है 2 लाख रुपए जो उससे भी पुराने हैं, तो टोटल रिसीवेबल हो गया 25 लाख का। और इन पे मुझे डर होता है मिसाल 20% डूबने का डर होता है। तो हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना बन गया? 74,000। अब ऐसे केस में मैंने तमाम कस्टमर्स को बिठा के एक ही परसेंटेज नहीं मारी, और यहां पे ना मैंने नाम के साथ रखा है, मुझे यह था कि जो जितना लेट कर रहा है पैसे देने में, यानी उसकी नीयत उतनी खराब है। जो टाइम पे पैसे, भाई देने वाले को तो टाइम पे पैसे देने हैं, तो जब मैंने महीने का टाइम दिया तो महीने में पैसे दे दो। हाँ, अगर महीने में किसी ने पैसे नहीं दिए तो ठीक है, क्योंकि मैंने खुद उसको टाइम दिया है, लेकिन महीने से ज्यादा टाइम हुआ है फिर भी पैसे नहीं दे रहा, तो मतलब कहूंगा नियत में खोट है, शायद नहीं देगा। फिर अगर 2 महीने से निकाल दिए, 3 महीने भी निकाल दिए, तो यानी अब मेरा खतरा बढ़ता जा रहा है कि जो जितना एजेड होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, उसके डूबने के चांसेस उतने ज्यादा होते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। कभी कभी कुछ कंपनीज क्या करती हैं, सेल्स पे भी एक परसेंटेज मार देती हैं कि हर साल जितनी भी सेल्स होंगी उसका 0.5% या उसका 1% तो बैड डेट होगा ही होगा अंदाजन। लेकिन ये जो अलाउंस बनेगा, ये बनेगा फॉर द ईयर। तो अगर पहले ही आपको पैसे डूबने का खतरा था, और इस साल अगर आपने 60 लाख रुपए की सेल्स की हैं, और आपको 60 लाख रुपए की सेल्स में से 1.5% डाउट है कि पैसे डूब जाएंगे, तो 60 लाख रुपीज का 1.5% बनेगा 90,000। 90,000 आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट में इजाफा हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब होता क्या है, ये अलाउंसेस कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम इसका अकाउंट बनाते हैं एज अलाउंस फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होना चाहिए, डेबिट पे कि क्रेडिट पे? क्रेडिट पे, क्योंकि ये कॉन्ट्रा टू एसेट है, तो डेप्रिसिएशन की तरह ऐसा मुमकिन है मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मेरा पहले से ही 45,000 रुपए डूबने का खतरा तो मुझे पहले से ही था, और ये वाले रिसीवेबल्स में पुराने भी शामिल है, नए भी शामिल है, तो ये जो अलाउंसेस बनाए जाते हैं ये फॉर द ईयर नहीं होते, ये होते हैं एज एट ईयर एंड, यानी ये कैरीड फॉरवर्ड होते हैं। तो हमने लेट्स से एजेड के बेसिस पे बनाया, और पता चला कि अब मेरे 74,000 रुपए 74,000 रुपीज डूबने का डर मौजूद है, हालांकि पहले ही आपको कितने पैसे डूबने का डर था, 45,000। अब आपका डर कहां पे पहुंचा है, 74,000 रुपए। आपके डर में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? इजाफा। कितना इजाफा हुआ है? 29 नहीं है, 29,000। तो 29,000 इज इंक्रीज। ये 45,000 का खौफ तो मैं पहले ही एक्सपेंस आउट कर चुका होऊंगा पिछले महीने, पिछले सालों में। इस साल मैं दिखाऊंगा रिसीवेबल एक्सपेंस कितने से, 29,000 से।
इसको हम कहते हैं अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेज। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है वो पिछले साल के मुकाबले में बढ़ जाए, यानी रिसीवेबल्स के डूबने का खतरा तो पिछले साल भी मौजूद था लेकिन इस साल जो खतरा है वो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा है। मिसाल इस केस में तो हम इसकी डबल एंट्री कैसे पास करेंगे? ये मैं एंट्री पास कर रहा हूँ फॉर इंक्रीज इन अलाउंस, खतरे में इजाफा हुआ है, तो डेबिट कर देंगे हम प्रॉफिट लॉस में रिसीवेबल एक्सपेंस और क्रेडिट करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स या फिर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले ही आपका अलाउंस कितना बना हुआ था? 45,000, और आपने उसको क्रेडिट कितने से किया? 29,000 से। तो 29,000 से हम डेबिट करेंगे रिसीवेबल एक्सपेंस और क्रेडिट कर देंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अलाउंस में कमी आ सकती है, डिक्रीज आ सकता है। से फॉर इंस्टेंस, पहले आपको खतरा था कि आपके 45,000 डूबेंगे, अगर इसका सीडी बैलेंस आ जाता है 20,000 तो आपका खतरा 45,000 से कम होकर 20,000 पे आ गया है, यानी आपके खतरे में कमी आ गई है, तो ये आपका फायदा है। ऐसे केस में हम डेबिट करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स और क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट लॉस को एज एन अदर इनकम। उसके अलावा अगर कोई कंफर्म बैड डेट हो जाता है, यानी कोई कस्टमर दिवालिया डिक्लेयर कर लेता है, तो ये बात समझिएगा कि अगर कोई डाउट में है तो उसको मैं रिसीवेबल का अकाउंट उसका रखूंगा। जब मुझसे कोई पूछेगा कि आपको कितने पैसे मिलने हैं तो मैं बताऊंगा कि मुझे 25,00,000 रुपए मिलने हैं, और अलग से माइनस करूंगा 74,000 रुपए जो कि डाउट में है। लेकिन अगर कोई बैड डेट हो गया तो उसको मैं 25,00,000 में गिनूंगा ही नहीं, क्योंकि वो मैंने समझो फौती खाते में डाल दिए कि डूब गए मेरे पैसे। अगर कोई कंफर्म बैड डेट हो जाता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं रिसीवेबल एक्सपेंस और क्रेडिट अलाउंस में नहीं करते, बल्कि क्रेडिट क्या कर देते, सीधा सीधा रिसीवेबल को ही क्रेडिट कर देते। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको इतना रखते हैं। एक हमने कवर कर लिया द टॉपिक ऑफ प्रीपेमेंट्स एंड अक्रूअल्स। ऑफ कोर्स हम फोकस कर रहे हैं उन टॉपिक्स पे जो अकाउंटिंग के बिल्कुल बुनियादी टॉपिक्स हैं, तो जब भी अकाउंटिंग के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें नेचर ऑफ अकाउंट्स, उसके टी शेप्स, उसकी जनरल एंट्रीज, अकाउंटिंग इक्वेशन, तो जो जो चीज़ें आपको जनरली याद हैं, मिसाल एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और ये अक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स हमने डिस्कस कर लिया, डेप्रेशन हमने डिस्कस कर लिया, तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हमने कर लिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक या दो सवाल हम कर लेंगे जब हम एक ट्रायल बैलेंस उठाएंगे, और ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या आइटम्स जाते हैं और कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, और बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आते हैं उनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो इससे अकाउंटिंग साइकिल का एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा कि डे बुक से लेकर जब हम आए थे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बाद डे बुक्स में, डे बुक्स के बाद नॉमिनल लेजर पे, नॉमिनल लेजर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ आ जाएंगे।
तो ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग की कुछ रिविजन्स हो जाएंगी, एंड वी पर्सनली बिलीव कि जो एग्ज़ाम बनना चाहिए वो इसी दायरे के अंदर बनना चाहिए, यानी जो बेसिक अकाउंटिंग के टॉपिक्स होते हैं वो इसी के अंदर, जो नॉर्मली ग्रेजुएशन या BBA या BCOM में पढ़ाए जाते हैं तो इसके अंदर ही बनना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसके बाकी जो फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट है, ट्रायल बैलेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कवर